वेलकम टू ऑल ऑफ आवर स्टूडेंट्स। मैं इंजीनियर आर के आनंद, आपका केमिस्ट्री टीचर। ये हम लोगों का बेसिक ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का फोर्थ लेक्चर है और इस लेक्चर में हम लोग क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में पढ़ेंगे। लेकिन इसके पहले हम लोग ये देख लें कि हम लोगों ने लेक्चर थ्री में क्या क्या पढ़ा था। हम लोग लेक्चर थ्री में फंक्शनल ग्रुप के बारे में पढ़े थे और हम लोगों का जो लास्ट टॉपिक था लेक्चर थ्री का वह था स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। तो मैंने आपको बताया था कि स्ट्रक्चर रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स का मेन मीनिंग यह होता है कि हम लोग किस प्रकार 2D पेपर पे ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करेंगे। मैंने आपको बताया था किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड के स्ट्रक्चर को 2D पेपर पे ड्रॉ करने के लिए बेसिकली 3 स्ट्रक्चरल फार्मूला होता है। फर्स्ट कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला, सेकंड कंडेंस स्ट्रक्चरल फार्मूला, थर्ड बॉन्ड एंड स्ट्रक्चरल फार्मूला। अगर दे आपको किसी भी कंपाउंड्स का मॉलिक्यूलर फार्मूला बता दिया जाए और आपसे कहा जाए कि आप उस कंपाउंड के स्ट्रक्चर को ड्रॉ करो, तो आप 3 स्ट्रक्चरल फार्मूला से ड्रॉ कर सकते हैं। फर्स्ट उसका आप कंप्लीट स्ट्रक्चर फार्मूला लिखेंगे तो लॉन्ग जाएगा, लंबा जाएगा। फिर उसका आप जब कंडेंस लिखोगे शॉर्ट जाएगा, छोटा हो जाएगा। कंडेंस मींस क्या? छोटा हो जाना। जब उसका आप बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर फार्मूला लिखोगे और छोटा हो जाएगा, यानी कि सबसे कम टाइम में आप उसका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला लिख सकते हो। इसलिए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाए तो आपके लिए सबसे बेस्ट मेथड है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला की मदद से आप किसी भी कंपाउंड के स्ट्रक्चर को बहुत कम टाइम में ड्रॉ कर सकते हो। क्लियर है? ये बात ध्यान में आ गई आपकी। अब आइए, जब हम लोग बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला पढ़ रहे थे, कुछ एग्जाम्पल किए थे, कुछ क्वेश्चन भी मैंने आपको कराया था, तो आज हम सबसे पहले उसी क्वेश्चन को कंटिन्यू करते हुए कुछ क्वेश्चंस करेंगे, फिर हम लोग पढ़ेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के बारे में। क्लियर है? आइए, क्वेश्चन है, राइट द मॉलिक्यूलर फार्मूला ऑफ फॉलोइंग कंपाउंड। ध्यान दीजिएगा, आपको इस कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिखना है। क्या लिखना है? मॉलिक्यूलर फार्मूला। दिया क्या है? ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला है। बॉन्ड लाइन है ना, देख रहे हैं ना, ये दिया हुआ है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला। आपको लिखना क्या है? इसका मॉलिक्यूलर फार्मूला हम आपको सिखाए थे। क्लियर है? अब आइए, जब भी बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला की बात होती है, 2-3 बात आपको ध्यान रखना। पहला, बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला में केवल लाइन यूज होंगे, कार्बन हाइड्रोजन को हम लोग नहीं दर्शाएंगे, कार्बन हाइड्रोजन के अलावे अदर एटम्स होंगे, ऑक्सीजन, क्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, उसको हम लोग दर्शाएंगे। लाइन इन एंड लाइन फॉल, जहां लाइन मुड़ेगा, जहां लाइन खत्म होगा, कार्बन एटम को रिप्रेजेंट करेगा। कार्बन एटम के साथ आवश्यकता के अनुसार ऑटोमेटिक समझ लेना है कि हाइड्रोजन जुड़ा हुआ है कार्बन के वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। क्लियर है? समझ गए? अब आओ, जब वैलेंसी की बात आए, ध्यान दो, कार्बन में 6 इलेक्ट्रॉन होता है, तो पहला ऑर्बिट में 2, दूसरा ऑर्बिट में 4, यानी लास्ट ऑर्बिट में 4 इलेक्ट्रॉन हो गया, तो कार्बन का वैलेंस इलेक्ट्रॉन 4। आप जानते हैं इन बॉन्ड फॉर्मेशन ओनली इन्वॉल्व वैलेंस इलेक्ट्रॉन, सो कार्बन का 4 इलेक्ट्रॉन बॉन्ड फॉर्मेशन में भाग लेगा, इस वजह से कार्बन 4 बॉन्ड मैक्सिमम बनाएगा, इस वजह से कार्बन को हम लोग टेट्रा वैलेंट कहते हैं, यानी कि वैलेंसी 4 होगा। क्लियर है? समझ गए? तो इस चीज को आप ध्यान दीजिएगा, तब आराम से इस बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर कंपाउंड का मॉलिक्यूलर फार्मूला लिख सकते हैं। क्लियर है? आइए, कार्बन को काउंट कीजिए, लाइन फॉर सब देख रहे हैं ना, यहां 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 यहां, सब समझ में आ रहा है बाबू? गिनो कार्बन, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 कार्बन, C6 लिख दो। हाइड्रोजन देखो, कार्बन यहां कितना बॉन्ड बनाया? 2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहां पर है। यहां कार्बन कितना बॉन्ड बनाया? 2 और 1 3, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन यहां पर है। यहां बॉन्ड कितना है? 2 और 1 3, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन यहां पर है। यहां कितना बॉन्ड है? 2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहां पर है। यहां कितना बॉन्ड है? 2 और 1 3, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन यहां पर है। यहां कितना बॉन्ड है? 2 और 1 3, इसका मतलब 1 हाइड्रोजन यहां पर है। हाइड्रोजन कौन सा बॉन्ड होता है? सिंगल, सिंगल बनाता है ना जी, हमको आपको पढ़ाया है, लेकिन हम लोग को दर्शाने की आवश्यकता नहीं है। देखो हाइड्रोजन कितना है,
दो तीन चार पांच छह सात आठ, समझ गए? दो यहां, तीन चार, दो छ, सात आठ, C6H8, इसका क्या हो गया? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। लेकिन आपको हाइड्रोजन दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए मैंने यहां पे हाइड्रोजन लिखा था, समझ गए बाबू? आइए अब देखिए, अब देखो C6H8 हो गया, आ जाओ। अब इसको देखो, इसमें कार्बन को काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो कार्बन है कितना बॉन्ड बना, 2 और 18, इसका मतलब एक हाइड्रोजन यहां है, यहां कितना बॉन्ड है? 2 और 18, एक हाइड्रोजन यहां है, यहां कितना बॉन्ड है? 2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहां है, क्योंकि कार्बन 4 बॉन्ड बनाएगा और हाइड्रोजन के साथ हर समय कार्बन सिंगल बॉन्ड ही बनाएगा, क्लियर डाइट? यहां देखो 2 और 18 मतलब एक हाइड्रोजन यहां है, यहां देखो 2 और 18 एक हाइड्रोजन यहां, यहां देखो कार्बन 1 और 1 2 और 2 4, यहां एक भी हाइड्रोजन नहीं। हाइड्रोजन काउंट करो, 1 2 2 4 5 और 1 6, और ऑक्सीजन एक है आपका, यानी कि C6H6O। हाइड्रोजन को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, आपको समझाने के लिए लिखे हैं, और हर समय ध्यान देना हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाएगा, किसके साथ? कार्बन के साथ, क्योंकि हाइड्रोजन डुप्लेट को कंप्लीट करता है। आइए इधर, यहां कार्बन काउंट किया जाए, एक यहां, देखते जाओ ध्यान से बाबू, काउंट करो, 1 2 3 4 पांच छ सात, एक ऑक्सीजन है, 7 कार्बन, C7। हाइड्रोजन यहां कितना बॉन्ड है? 3 कार्बन का क्या कितना बॉन्ड है? 1, इसका मतलब 3 हाइड्रोजन यहां है। यहां कितना बॉन्ड है कार्बन का? 2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहां है, 4 बॉन्ड बनाएगा कार्बन, 4 बॉन्ड बनाएगा, हाइड्रोजन के साथ हर समय सिंगल बॉन्ड बनाएगा। अगर यहां पे एक बॉन्ड है, इसका मतलब ये कार्बन है ना, इस कार्बन का एक बॉन्ड है, ये कार्बन है छोटा, इस कार्बन का एक बॉन्ड है, इसका 3 हाइड्रोजन आ जाएगा, क्लियर है? यहां देखो कार्बन का ये कार्बन है, ये कार्बन है आपका, 2 बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन यहां पर रहेगा। यहां कार्बन का देखो, 1 2 3 बॉन्ड, मतलब 1 हाइड्रोजन यहां रहेगा। यहां कार्बन का 2 बॉन्ड है, मतलब 2 हाइड्रोजन यहां रहेगा। यहां कार्बन का 2 और 1 3, 1 हाइड्रोजन यहां रहेगा। यहां कार्बन का 2 और 1 3, 1 हाइड्रोजन यहां रहेगा। यहां कार्बन का 1 और 1 2 और 2 4, एक भी हाइड्रोजन नहीं रहेगा, यहां तो आपका OH है, क्लियर? हाइड्रोजन काउंट करो, 3 2 3 2 5, 1 6 2 8, 1 9, 1 10, 1 यहां 11, 1 यहां 12, C7H12, और ऑक्सीजन कितना? 1 और 1 2, 1 2 और 1 3, बाबू 3 O3, C7H12O3। हाइड्रोजन को आपको दिखाने की आवश्यकता नहीं है, हम आपको समझाने के लिए हाइड्रोजन लिखे हैं, आपको ऑटोमेटिक समझना है। लेकिन OH वाला हाइड्रोजन रहेगा, एल्कोहल है, इन्हें समझना कि कार्बन वाला हाइड्रोजन है ये। आ जाओ यहां, कार्बन काउंट करो, 1 2 3 4 5 6। अब देखो यहां, आप देखो कार्बन का कितना बॉन्ड है? 2, इसका मतलब 2 हाइड्रोजन यहां है। यहां कार्बन का कितना बॉन्ड है? 2, मतलब 2 हाइड्रोजन यहां है। कार्बन कितना बॉन्ड है? 2, मतलब 2 हाइड्रोजन यहां पर है। यहाँ कितना बॉन्ड है? 2, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। इस कार्बन का कितना बॉन्ड है? 2, मतलब 2 हाइड्रोजन यहाँ पर है। हर समय हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से अटैच रहेगा, ऐसे इसको देखना चाहे, ऐसे लिखा जाता है, इसको ऐसे लिखोगे तो, है ना? अब देखो कार्बन का 4 बॉन्ड बनाएगा, 1 2 3 4, यहां भी दिखाना चाहते हो तो ऐसे दिखा सकते हो। कार्बन कितना बॉन्ड बनाएगा? 4, 1 2, इस कार्बन को पकड़ो, इसको पकड़ो, पकड़ लिया, 1 2 3 4। हाइड्रोजन हर समय सिंगल बॉन्ड बनाता है, इसलिए सिंगल बॉन्ड दिखाने की आवश्यकता बॉन्ड लाइन में नहीं है। बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर में हम लोग कार्बन हाइड्रोजन को नहीं दर्शाएंगे, केवल आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं। अब यहां वाली बात बताओ, अगर यहां प्लस चार्ज नहीं रहता, बॉन्ड गिनो, 1 और 1 2, मतलब 2 हाइड्रोजन यहां भी रहता, लेकिन प्लस चार्ज आ गया, इसका मतलब यहां पर कुछ लोचा हुआ, खेला मेला हुआ, इधर आओ, चलो 2 हाइड्रोजन है। अब बताओ, जब कोई एटम इलेक्ट्रॉन का लॉस करता है तो उसमें प्लस चार्ज आता है, और जब गेन करेगा तो उसपे माइनस चार्ज आएगा। अब यहां पे ये सिंगल बॉन्ड है, एक ही प्लस चार्ज था ना, ध्यान दीजिएगा, यहां सिंगल बॉन्ड है, देखो इधर,
जब दो इलेक्ट्रॉन को डॉट से रिप्रेजेंट किया जाता है, मैंने फर्स्ट क्लास ही पढ़ाया था, जब दो डॉट है तो सिंगल बॉन्ड, दो इलेक्ट्रॉन से सिंगल बॉन्ड, चार डॉट है, चार इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बनेगा डबल, और छह डॉट है तो कौन सा बॉन्ड बनेगा ट्रिपल। अब मुझे बताओ जब इलेक्ट्रॉन को हम लोग डॉट से रिप्रेजेंट करते हैं, दो डॉट है, सिंगल बॉन्ड, चार है, डबल, छह है, ट्रिपल, तो यहां पे मुझे आप ये बताइए यहां पर कार्बन और हाइड्रोजन के बीच सिंगल बॉन्ड है तो कितना इलेक्ट्रॉन है सिंगल बॉन्ड है, तो दो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, क्योंकि दो इलेक्ट्रॉन से कौन सा बॉन्ड बन जाता है सिंगल बॉन्ड बन जाता है। क्लियर है? अगर यहां पे हम कार्बन हाइड्रोजन की बात करें तो कार्बन हाइड्रोजन की बात किया जाए तो कार्बन हाइड्रोजन के बीच यहां पे कौन सा बॉन्ड है वो बताओ, सिंगल बॉन्ड है ना, तो सिंगल बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन यूज होता है दो, चलो यहां दो इलेक्ट्रॉन दर्शा दिए, आपको समझाना है। अब देखो एक इलेक्ट्रॉन, ये जो दो इलेक्ट्रॉन है उसमें एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, तो अब मुझे बताओ जब मैंने पढ़ाया था आपको कि सिंगल बॉन्ड में एक एक इलेक्ट्रॉन दोनों आइटम शेयर करेगा, डबल बॉन्ड में दो दो इलेक्ट्रॉन दोनों आइटम शेयर करेगा, ट्रिपल बॉन्ड में तीन तीन इलेक्ट्रॉन दोनों आइटम शेयर करेगा, यहां सिंगल बॉन्ड बनेगा तो एक इलेक्ट्रॉन कार्बन देगा, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन देगा, तो अगर दी यहां पर कार्बन पे प्लस चार्ज है इसका मतलब यह हुआ कि ये जो हाइड्रोजन है, इसका मतलब यह हुआ है जो हाइड्रोजन है कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेके क्या हो गया, फरार हो गया। अब बताओ तो हाइड्रोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके चला गया तो हाइड्रोजन पे माइनस है, कार्बन पे प्लस, तो हाइड्रोजन यहां से क्या हो गया, गायब हो गया, तब ने प्लस चार्ज आया जी, एक हाइड्रोजन यहां से चला गया कार्बन का भी इलेक्ट्रॉन लेकर गया, अगर ये हाइड्रोजन अपना इलेक्ट्रॉन लेके केवल जाता किसी पे कोई चार्ज नहीं, फ्री रेडिकल बनता जो हम रिएक्शन मैकेनिज्म में आपको पढ़ाएंगे, लेकिन यहां पे क्या हुआ कि दो इलेक्ट्रॉन था, एक कार्बन का था एक हाइड्रोजन का था, तो हाइड्रोजन ने क्या किया अपना तो लेके गया लेकिन कार्बन का भी लेके चला गया, तो एक इलेक्ट्रॉन लेके गया कार्बन पे एक प्लस, हाइड्रोजन पे एक माइनस, तो हाइड्रोजन यहां से क्या हो गया निकल गया, जब हाइड्रोजन निकल गया बाबू तो हाइड्रोजन एक कम गया ना, अब हाइड्रोजन जीरो, दो दो चार दो छह दो आठ दो दस अरे ग्यारह। अब बताओ अब इस पे कौन सा चार्ज आ गया, हाइड्रोजन पे माइनस, जब कार्बन का इलेक्ट्रॉन लगा हाइड्रोजन चला गया हाइड्रोजन पे माइनस, कार्बन पे प्लस, लिखेंगे C6H11 प्लस, समझ गए, लेकिन आपको ध्यान देना है कि बॉन्ड स्ट्रक्चर में हाइड्रोजन को दिखाने की आवश्यकता नहीं है, मैंने ये आपके लिए किया ताकि आपको समझ में अच्छा से आए। इस पे केवल हम लोग क्या लिखेंगे प्लस चार्ज, समझ गए। अब आइए इसको यहां कार्बन काउंट कर लो, एक दो तीन चार पांच, यहां देखो एक दो तीन चार पांच छह हाइड्रोजन, यहां कार्बन कितना बॉन्ड बनाया दो, मतलब दो हाइड्रोजन यहां पर है, यहां कार्बन कितना बॉन्ड है दो, मतलब दो हाइड्रोजन यहां भी है, यहां कार्बन का कितना बॉन्ड है दो, मतलब दो हाइड्रोजन यहां भी, इसको कार्बन पकड़ना है, यहां कितना बॉन्ड है दो, मतलब दो हाइड्रोजन यहां भी है, यहां कितना बॉन्ड है दो, मतलब दो हाइड्रोजन यहां भी है। अब देखो यहां माइनस है, वही बात, अगर ये माइनस को हटा दिया जाए तो कार्बन का बॉन्ड देखो दो, इसका मतलब कितना है दो हाइड्रोजन यहां भी है। अब बताओ मुझे कि अगर हम इसको ऐसे कर दें, ये सिंगल बॉन्ड है मतलब दो इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन हाइड्रोजन का है और एक इलेक्ट्रॉन कार्बन का है, अब क्या हुआ कि अब हाइड्रोजन नहीं, अब हाइड्रोजन नहीं, कार्बन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन ले लिया, माइनस चार्ज आएगा, कार्बन ने हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन क्या किया ले लिया, यहां देखो अब देखो यानी हाइड्रोजन का इलेक्ट्रॉन कौन ले लिया, कार्बन, अपना तो रखा है किसका भी ले लिया, तो हाइड्रोजन पे कौन सा चार्ज रहेगा प्लस, कार्बन पे माइनस, इस कंडीशन में भी तो हाइड्रोजन बेचारा यहां से निकल ही गया, हाइड्रोजन की एक नंबर तो कम गई, उस समय हाइड्रोजन इलेक्ट्रॉन लेकर के फरार हो गया था कार्बन का, तो कार्बन पे प्लस हाइड्रोजन पे माइनस आया था, लेकिन इस कंडीशन में कार्बन ने हाइड्रोजन को निकाल दिया तब पर भी हाइड्रोजन घट गया है वो, क्लियर। अब देखो अब हाइड्रोजन काउंट करो, दो दो चार दो छह दो आठ दो दस और एक ग्यारह,
क्योंकि उस समय हाइड्रोजन कार्बन का इलेक्ट्रॉन लेके फरार हो गया, ये वो आउट हो गया, हाइड्रोजन कम हो गया था, यहाँ पे कार्बन ने ही हाइड्रोजन को निकाल दिया। इसका इस कंडीशन में भी एक हाइड्रोजन क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। लेकिन इस कंडीशन में कंपाउंड पे कौन सा चार्ज आएगा, माइनस चार्ज आएगा। समझ गए छोटो, हाइड्रोजन को दिखाने का आपको आवश्यकता नहीं है। तो मैं उम्मीद कर सकता हूं कि जब आपको बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर फार्मूला देगा और आपसे कहा जाएगा कि इसका मॉलिकुलर फार्मूला लिखिए, तो आप आराम से लिख सकते हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तो चलिए इसको लिखिए, फिर हम लोग आगे डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। लिखा है आइए, अब हम लोग नेक्स्ट टॉपिक डिस्कस करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। जैसा कि आप जानते हैं कि ऑर्गेनिक कंपाउंड की संख्या बहुत ज्यादा है, इसलिए ऑर्गेनिक कंपाउंड का क्लासिफिकेशन जरूरी है। क्योंकि अगर भी हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्लासिफाइड नहीं करेंगे तो कंपाउंड के प्रॉपर्टी को स्टडी करना हमारे लिए आसान नहीं होगा। इसलिए सबसे पहले हम लोग ऑर्गेनिक कंपाउंड को क्या करेंगे, क्लासिफाइड करेंगे। आइए, ऑर्गेनिक कंपाउंड बेसिकली दो प्रकार का होता है, ओपन चेन और क्लोज चेन। ओपन चेन को हम लोग ए साइक्लिक भी कहते हैं। ए साइक्लिक का मतलब साइक्लिक नहीं है, इसे एलिफेटिक भी कहा जाता है। तो ओपन चेन में स्ट्रेट चेन हो सकता है या ब्रांच चेन हो सकता है। क्लियर है? अब हम साइक्लिक की बात करें, साइक्लिक को आप रिंग भी कहते हो, क्लोज चेन भी कहते हो। क्लियर है? अब हम ओपन चेन को बारीकी से देखेंगे। ओपन चेन में जब सिंगल बॉन्ड होगा तो अल्केन कहलाएगा, और जब डबल बॉन्ड होगा तो अल्कीन कहलाएगा, और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो अल्काइन कहलाएगा। किसके बीच? कार्बन कार्बन के बीच देखना है। जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड तो अल्केन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड तो अल्कीन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड तो अल्काइन। तो ओपेन चेन को दो भाग में क्लासिफाइड किया गया है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड में आएगा आपका अल्केन, अनसैचुरेटेड आता है अल्कीन एंड अल्काइन। अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। हम सब आगे आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, अभी केवल आप बेसिक मीनिंग समझिए, इसका बेसिक मीनिंग क्या है क्लासिफिकेशन का। क्लियर है? अब बच्चे हमसे कहेंगे सर सैचुरेटेड का मीनिंग क्या होता है। हमने जब सॉल्यूशन चैप्टर का फर्स्ट लेक्चर लिया था उसे मैंने सैचुरेटेड सॉल्यूशन को पढ़ाया था, वैसा सॉल्यूशन जिसमें कि एट फिक्स टेम्परेचर और प्रेशर पे और सॉल्यूट को डिजॉल्व नहीं किया जा सकता है उसे हम सैचुरेटेड सॉल्यूशन कहते हैं। जैसे कि अगर दी हम और हमारे पेरेंट्स की बात किया जाए तो हमारे पेरेंट्स का लाइफ ऑफ सैचुरेट हो गया, लेकिन अभी हम लोग आप लोग क्या है, अनसैचुरेटेड है। क्लियर है? इसका मतलब यह है कि जो सैचुरेटेड होता है वह लेस रिएक्टिव होता है, अनसैचुरेटेड जो होता है वो ज्यादा रिएक्टिव होता है। हम क्या कहना चाह रहे हैं आप समझ रहे हैं, यानी कि हमारे हमारे पेरेंट्स में देखा जाए तो हमारे पेरेंट्स जो है वो लेस रिएक्टिव है, हम लोग क्या है, मोर रिएक्टिव है। इसलिए कहा जाता है सैचुरेटेड इज द लेस रिएक्टिव, अनसैचुरेटेड इज द मोर रिएक्टिव। तो आपका सैचुरेटेड में आएगा अल्केन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, अल्काइन कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। अब हम साइक्लिक की बात करें, साइक्लिक को हम लोग रिंग या क्लोज चेन भी कहते हैं। अगर दी साइक्लिक में सपोज करो ये कंपाउंड है, इसमें केवल कार्बन है, अगर दी साइक्लिक स्ट्रक्चर में केवल कार्बन हो तो उसे होमोसाइक्लिक कहा जाता है। होमोसाइक्लिक को हम लोग कार्बोसाइक्लिक भी कहते हैं। कार्बोसाइक्लिक का मीनिंग होता है इन साइक्लिक स्ट्रक्चर ओनली कार्बन एटम्स आर प्रेजेंट। क्लियर है? अगर दी कार्बन के अलावा कुछ ऐसा कंपाउंड मिल जाए, यहाँ पे कौन है, ऑक्सीजन है, कार्बन के अलावे अदर एटम भी हो, जैसे ऑक्सीजन हो जाए, नाइट्रोजन हो जाए, कार्बन के अलावे अदर एटम्स भी रहेगा तो उसे हम क्या बोलेंगे, हेट्रोसाइक्लिक बोलेंगे। ऑक्सीजन का हमारा स्टोन सिक्स होता है, दो बॉन्ड बनाया तो दो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ, चार इलेक्ट्रॉन इसका बंध रिच कॉल टू लोन पेयर्स। तो साइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है, होमोसाइक्लिक और हेट्रोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड वह साइक्लिक कंपाउंड कहलाता है
जिसके रिंग में, जिसके साइकिल में केवल कार्बन एटम ही प्रेजेंट होगा उसे होमोसाइक्लिक कहेंगे, और केवल कार्बन एटम प्रेजेंट होने की वजह से इसे कार्बोसाइक्लिक भी कहा जाता है। हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड, क्योंकि मीनिंग से पकड़ो, होमो का मतलब होता है सेम, ध्यान दे, होमो का मतलब क्या होता है सेम, हम आपको मूल कंसेप्ट में पढ़ाए थे, होमो का मतलब होता है सेम, हेटरो का मतलब होता है डिफरेंट, सिंपल। तो हेटरोसाइक्लिक कंपाउंड वह साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा जिसके साइकिल के अंदर कार्बन के अलावे अदर एटम्स भी होंगे, जस्ट लाइक ऑक्सीजन नाइट्रोजन। यहां देखिए ऑक्सीजन है इसलिए हेटरोसाइक्लिक कहलाएगा, इसमें केवल कार्बन है होमोसाइक्लिक कहलाएगा, क्लियर। अब बताइए होमोसाइक्लिक दो प्रकार का होता है, एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। एलीसाइक्लिक कंपाउंड क्या है इसके बारे में देखिए, एलीसाइक्लिक कंपाउंड वह कंपाउंड कहलाता है जिसका प्रॉपर्टी ओपन चेन जैसा, एलिफेटिक कंपाउंड जैसा हो। इसका मतलब यह हुआ, सपोज करो अगर हम ऐसा करें, यह आपका ओपन चेन है, इसको हम साइक्लिक बना दें, यहां दो हाइड्रोजन, यहां दो हाइड्रोजन, यहां दो हाइड्रोजन, आप देखिए कार्बन तीन, कार्बन तीन, हाइड्रोजन कितना है यहाँ, तीन दो पांच, तीन आठ, यहाँ कितना है, दो दो चार, दो छह, दो हाइड्रोजन कम गया, यानी इसको जब आप जोड़ेंगे तो एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकल जाएगा, क्या बन जाएगा, रिंग। ये तीनों कार्बन को आप जोड़ दीजिए, इसे जोड़ेंगे रिंग बनेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, एक हाइड्रोजन यहां से निकलेगा, बन गया रिंग। अब देखिए तो जब हम ओपन चेन कंपाउंड को, एलिफेटिक कंपाउंड को रिंग बना देंगे तो उसे हम क्या बोलेंगे, एलिसाइक्लिक। हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, तत्काल आप समझिए, एलिसाइक्लिक कंपाउंड वह कंपाउंड कहलाता है जब हम ओपन चेन कंपाउंड का क्या करते हैं, रिंग फॉर्मेशन कर देते हैं तो बन जाता है एलिसाइक्लिक, क्लियर है, यानी दोनों का प्रॉपर्टी क्या होता है, सिमिलर होता है। आइए उसके बाद है आपका एरोमेटिक। एरोमेटिक हम आपको डिटेल से पढ़ाएंगे, एरोमेटिक के बारे में बहुत कुछ हम आपको बताएंगे, तत्काल आप समझिए कि एरोमेटिक कंपाउंड हुआ कंपाउंड कहलाएगा इसका स्ट्रक्चर साइक्लिक हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, यानी कि प्लानर स्ट्रक्चर हो, सारा हम इसके बारे में डिटेल से आपको बताएंगे, टेंशन आप नहीं लीजिए। एरोमेटिक दो प्रकार का होता है, बेंजोनॉइड और नॉन बेंजोनॉइड। वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जिसमें बेंजीन रिंग हो उसे हम बेंजोनॉइड कहेंगे, और वैसा एरोमेटिक कंपाउंड जो विदाउट बेंजीन रिंग का हो उसे हम नॉन बेंजोनॉइड कहेंगे, क्लियर है। सारा हम आपको एक्सप्लेन करके अभी हम बताएंगे, इसके लिए आपको टेंशन नहीं लेना है, आप इसको लिखिए, फिर हम लोग एक एक करके सारे को डिस्कस करेंगे, क्लियर है। आइए इस लिख लिया, तो आइए अब हम लोग एक एक करके, अभी जो हम लोग टॉपिक डिस्कस किया क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, सारे क्लासिफिकेशन को हम लोग अब एक एक करके स्टडी करेंगे। तो फर्स्ट हमने आपको बताया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड को दो पार्ट में क्लासिफाइड किया गया है, ओपन चेन और क्लोज चेन। तो पहले हम डिस्कस करेंगे ओपन चेन। आइए तो सबसे पहले आप ये जानते हैं कि ओपन चेन को हम लोग ए साइक्लिक भी कहते हैं, क्यों, ओपन चेन का मतलब खुला चेन है, वह या तो स्ट्रेट चेन होगा या तो ब्रांच चेन होगा, उसको ए साइक्लिक भी कहा जाता है। इसका मतलब यह है वो साइक्लिक नहीं है और उसे हम एलिफेटिक भी कहते हैं। तो अगर आपसे कोई पूछे कि ओपन चेन या एलिफेटिक कंपाउंड किसे कहा जाता है, तो कंपाउंड हैविंग ओपन चेन स्ट्रक्चर इज कॉल्ड ए साइक्लिक कंपाउंड या एलिफेटिक कंपाउंड या ओपन चेन कंपाउंड। ये डिफिनेशन बेसिकली वैसे स्टूडेंट के लिए है जो भी जस्ट अभी 10th का एग्जाम दिए हैं, 11th में गए हैं, और जो बच्चे 12th पास हो तो केवल वर्ड से, मीनिंग से समझ सकते हैं कि कंटेंट कहना क्या चाह रहा है, एलिफेटिक का मीनिंग क्या है और ए साइक्लिक का मीनिंग क्या है। सपोज करो अब यहाँ पे मैंने आपको बताया था कि ओपन चेन में बेसिकली दो प्रकार का क्लासिफिकेशन होता है, सैचुरेटेड और अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड का मतलब लेस रिएक्टिव, जिसमें आता है अल्केन यानी कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड। अनसैचुरेटेड मोर रिएक्टिव, उसमें आता है अल्कीन एंड अल्काइन। अल्कीन को हम लोग पकड़ेंगे कैसे, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड से, अल्काइन को कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड से, चाहे एक भी डबल बॉन्ड है तो अल्कीन हो गया, एक भी ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन हो गया, क्लियर है। आइए सबसे पहले एग्जांपल देख लो, ब्यूटेन एन,
एन मींस अल्केन, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, सिंगल सिंगल सिंगल, चार कार्बन है, ब्यूट है तो चार, मेथ एट प्रॉप ब्यूट, ऑनुसर में हम आपको पढ़ाएंगे, चार कार्बन है तो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तीन और एक चार, दो हाइड्रोजन दो और एक तीन और एक चार, दो और एक तीन और एक चार, तीन और एक चार, क्लियर? क्यों? वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए। ब्यूटेन, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, दो और दो चार, दो और एक तीन और एक चार, दो और एक तीन और एक चार, तीन और एक चार, ब्यूटेन। ब्यूटाइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, तीन और एक चार, तीन और एक चार, दो और एक तीन और एक चार, तीन और एक चार, क्लियर? समझ गए? अब आइए फर्स्ट हम डिस्कस करेंगे अल्केन। सैचुरेटेड में किसको डिस्कस करेंगे? अल्केन को। अल्केन को पैराफीन भी कहा जाता है। सबसे पहले अल्केन कैसे पकड़ेंगे? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कंपाउंड कहलाएगा अल्केन। केवल सिंगल बॉन्ड आना चाहिए, नो डबल नो ट्रिपल, समझ गया? ओनली सिंगल बॉन्ड अल्केन कहलाएगा। अल्केन को पैराफीन भी कहते हैं। अब बच्चा पूछेगा, सर हम लोग अल्केन को पैराफीन क्यों कहते हैं? पैराफीन दो ग्रीक वर्ड से बना है, पैरा और अफेन। पैरा का मतलब लेस, अफीन का मतलब रिएक्टिव, यानी कि लेस रिएक्टिव। पैराफीन का मेन मीनिंग क्या होता है? लेस रिएक्टिव, इसलिए ये सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन के अंदर आता है, क्लियर है? तो अल्केन क्या होता है? लेस रिएक्टिव, इसलिए इसे कहा जाता है पैराफीन, क्योंकि पैराफीन डिराइव फ्रॉम टू ग्रीक वर्ड पैराफीन, पैरा मींस लेस, अफीन मींस रिएक्टिव, सो पैराफीन का मीनिंग होगा लेस रिएक्टिव। आइए पहला लाइन, ए हाइड्रोकार्बन विच कंटेन एच डॉट सी हाइड्रोकार्बन, ए हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स ओनली कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्केन, इट इज सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, लेस रिएक्टिव होता है। जनरल फार्मूला सेकंड लेक्चर में बताए थे, CnH2n+2 Where n or number of carbon atom, n की संख्या क्या होगी? 1, 2, 3, 4, 5 dot dot। अगर भी हम n बराबर 1 ले लें, formula क्या है? CnH2n+2 n बराबर 1 रख दो, यहाँ 1 हो गया, यहाँ भी 1 हो जाएगा, तो C1H4 यानी CH4 हो जाएगा formula, clear that? अगर n बराबर 2 रख दिया जाए, 2, 2, 2 तो C2H6, समझ में आ गई बात? अब आइए अब हम अल्कीन की बात करेंगे। अल्कीन को बेसिकली हम अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, आपको बताएं अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में होता है मोर रिएक्टिव। सैचुरेटेड क्या होता है? लेस रिएक्टिव, जिसमें आता है अल्केन। अनसैचुरेटेड मोर रिएक्टिव अल्कीन और अल्काइन। तो अल्कीन को कैसे पकड़ेंगे? कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। अल्कीन को ओलिफिन भी कहा जाता है। ओलिफिन का मतलब अल्कीन जो है हैलोजन से रिएक्शन करके, बेसिकली क्लोरीन से रिएक्शन करके ऑयली कंपाउंड, चिपचिपाहट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए इसे कहा जाता है ओलिफिन। समझ गए? आपसे कोई पूछेगा अल्कीन को ओलिफिन क्यों कहते हैं, तो बोलिएगा अल्कीन जो है हैलोजन से रिएक्शन करने के बाद, बेसिकली क्लोरीन से रिएक्शन करने के बाद ऑयली कंपाउंड, चिपचिपाहट कंपाउंड का फॉर्मेशन करता है, इसलिए अल्कीन को हम लोग ओलिफिन कहते हैं। क्लियर है? ऑयली फॉर्मिंग कंपाउंड, ऑयल समझते हैं, तेल, ऑयली फॉर्मिंग कंपाउंड, चिपचिपाहट कंपाउंड का फॉर्मेशन कब? जब हैलोजन से रिएक्शन करेगा, बेसिकली क्लोरीन से रिएक्शन करेगा, उसके बाद जो कंपाउंड बनेगा वो कंपाउंड क्या होगा? ऑयली कंपाउंड, चिपचिपाहट कंपाउंड होगा, इसलिए से कहेंगे ओलिफिन। क्लियर दैट? अल्कीन को पहचानने तरीका भाई, ए हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्कीन, बिल्कुल सही। अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही। जनरल फार्मूला CnH2n मैंने आपको पढ़ाया। वेयर डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए कम से कम कितना कार्बन चाहिए? दो, मिनिमम दो, दो से स्टार्ट होगा, दो तीन चार पांच चलते जाएगा। नंबर ऑफ कार्बन एटम, एन की संख्या 1 कभी नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा? दो तीन चार पांच, क्लियर दैट? ये डिफिनेशन किसके लिए है? वैसे बच्चे जो 10th का भी एग्जाम 11th में गए, जो बच्चे 12th में है 11th पास आउट हो गए हैं, या जो बच्चे टारगेट के लिए है, उनके लिए केवल मीनिंग समझना है कि ए साइक्लिक का मीनिंग क्या है, एलिफेटिक का मीनिंग क्या है, अल्केन का मीनिंग क्या है, अल्कीन का मीनिंग क्या है, बस। लेकिन जो बच्चे 10th पास है उनके लिए डिफिनेशन जरूरी है, ताकि वो फर्स्ट बार पढ़े, समझ गए बाबू? इसे एक एग्जांपल ले लिया जाए, अगर दी हम n बराबर 2 ले लें, क्या फार्मूला होता है? CnH2n, तो क्या होगा? C2H4, कैसे? CnH2n फार्मूला रखे हैं, तो C2H2 × 2 = C2H4। अगर दी हम n बराबर 3 ले लें, तो C3H6, कैसे? यहां 3 रख दीजिए, C3H6, तो C3 × 6, C3H6, क्लियर है? अब आप इसको आराम से लिखिए, फिर हम लोग
पढ़ेंगे अल्काइन और साइक्लिक बैंड, लिख लिया जाए। तो आइए थोड़ा आप अल्काइन को देख लें। अल्काइन को हम लोग एसिटिलीन भी कहते हैं। फिर बच्चा हमसे कहेगा कि सर अल्काइन को पहचानने के लिए सिंपल मेथड है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो अल्काइन कहलाएगा, इसे एसिटिलीन क्यों कहा जाता है? आप ही बताइए कि कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड को तो अल्काइन आप समझ लेते हैं, एसिटिलीन कहने का मेन मीनिंग क्या है कि अल्काइन का जो फर्स्ट मेंबर है वह एसिटिलीन है। कैसे? इधर आओ। अभी आपने कार्बन की संख्या यहां पे दो लिया, अब बच्चा बोलेगा दो क्यों, एक बार समझ लो पहले। आ लो इधर, ए हाइड्रोकार्बन विच कंटेन्स कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड इज कॉल्ड अल्काइन। क्लियर? एड अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन, बिल्कुल सही मैंने बताया आपको। जनरल फार्मूला CnH2n + 2 होगा बाबू, मिस्टेक हो गया। जनरल फार्मूला क्या होगा? CnH2n - 2, वेयर n बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम, जहां की डबल बॉन्ड और ट्रिपल बॉन्ड के लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए? दो चाहिए। n = 1 नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा? 2, 3, 4, 5 से। क्लियर है? 2, 3, 2 इज द मिनिमम। n कभी भी डबल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड की जैसे बात आएगी तो नंबर ऑफ कार्बन मिनिमम कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। n ≠ 1, डबल बॉन्ड में भी n एल्कीन में भी n बराबर 1 नहीं होगा, और ट्रिपल बॉन्ड यानी अल्काइन में भी n = 1 नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा? 2 से। 2, 3, 4, 5 चलते जाएगा। अगर हम n बराबर 2 रखें तो फार्मूला है आपका CnH2n - 2। ध्यान देना, n बराबर 2 रखो, C2 2 × 2 - 1, तो C2 2 × 4 = C2H2। इसको हम लोग क्या बोलते हैं? IPC नॉमिनेटर के अकॉर्डिंग इथाइन, ETHYN, इथाइन बोला जाता है इसे। और इसी का जो कॉमन नेम है एसिटिलीन है। देखो इसका IPC नेम क्या है? इथाइन। दो कार्बन है तो इथ, और ट्रिपल बॉन्ड है तो आयन, इथाइन। इसी का कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। इसलिए अल्काइन का फर्स्ट मेंबर होने के लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए? 2। अल्काइन का फर्स्ट मेंबर होने के मिनिमम कार्बन कितना चाहिए? 2। तो फर्स्ट मेंबर अल्काइन का क्या है? इथाइन। इथाइन का कॉमन नेम क्या है? एसिटिलीन। इसलिए अल्काइन को एसिटिलीन भी कहा जाता है, क्योंकि इसका फर्स्ट मेंबर एसिटिलीन है। क्लियर है? आइए, मैंने आपको पढ़ाया था कि ऑर्गेनिक कंपाउंड जो है बेसिकली दो प्रकार का होता है, ओपन चेन और क्लोज चेन। तो ओपन चेन तो आपका कंप्लीट हो गया, अब क्लोज चेन में आते हैं। क्लोज चेन को हम लोग साइक्लिक भी कहते हैं और रिंग भी कहा जाता है। तो क्लोज चेन क्या है? साइक्लिक स्ट्रक्चर कंपाउंड का होगा उसे हम क्लोज चेन कहेंगे। क्लियर है? तो मैंने लिखा कंपाउंड हैविंग साइक्लिक स्ट्रक्चर इज कॉल्ड साइक्लिक या रिंग कंपाउंड। मैंने पहले बोल दिया था डेफिनेशन केवल वैसे बच्चे के लिए है जो बच्चे इस बार 10th का एग्जाम दिए, 11th में गए हैं, और जो बच्चे भी 12th में है या 12th पास है, वो केवल मीनिंग समझिए और इसका मेन हम जो समझा रहे कंसेप्ट पे ध्यान दीजिए, डेफिनेशन से उनको कोई मतलब नहीं है। अब ये देखो कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है? 4। क्यों? कार्बन टेट्रावैलेंट होता है, वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए 4 बॉन्ड बनाएगा। तो कार्बन का कितना बॉन्ड है? 2 हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के साथ हर समय कार्बन सिंगल बॉन्ड, जैसे कि ये CH2 है तो इसको ऐसे आप भी दर्शा सकते हो, 2 सिंगल बॉन्ड हाइड्रोजन है। क्लियर? इसी को हम लोग क्या लिख देते हैं? CH2। अगर ये 2 सिंगल बॉन्ड है, बॉन्ड गिनो, 1, 2, 3, 4 बॉन्ड बनाए ना जी, समझ गया? हाइड्रो हर समय कितना कौन सा बॉन्ड बनाएगा? सिंगल बॉन्ड। तो इसी को आप क्या लिखते हो? CH2। तो बॉन्ड गिन लो, 2 और 3 = 4, 2 हाइड्रोजन, 2, 1, 3, 1, 4, 2 और 2, 4, यानी कि क्यों? ऑक्टेट कंप्लीट करने के कारण का वाला स्टोन 4, अरे 5, अरे 6, तो हाइड्रोजन 8, समझ गए? ये साइक्लिक है तो साइक्लो, 3 कार्बन है तो प्रोप, अल्केन है तो एन, यानी साइक्लो प्रोपेन, ये साइक्लिक स्ट्रक्चर है। ये आपका क्या है? बेंजीन है, इसे आप बेंजीन कहते हैं। कार्बन कितना है? 6। हाइड्रोजन कितना है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो क्या कहते हैं? बेंजीन। यहां पर कितना कार्बन? 2 और 1, 3 हाइड्रोजन, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, 1, 4, 2, 1, 3, मतलब 6 कार्बन चार चार बॉन्ड बनाया हुआ है। क्लियर दैट? समझ गए?
तो कार्बन के साथ हाइड्रोजन यहाँ पे अटैच है कार्बन की वैलेंसी को सेटिस्फाई करने के लिए, क्लियर है। अब आइए आप देखो ये साइक्लिक स्ट्रक्चर जो है इसमें केवल कार्बन है तो होमोसाइक्लिक कहलाएगा, इसमें केवल कार्बन है होमोसाइक्लिक कहलाएगा, और कार्बन के अलावा अदर एटम ऑक्सीजन हाइड्रोजन तो क्या कहलाएगा, हेटरोसाइक्लिक। तो चलिए अब हम लोग थोड़ा सा साइक्लिक में, सबसे पहले मैंने आपको बताया था साइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार का होता है, होमोसाइक्लिक और हेटरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक कंपाउंड वह साइक्लिक कंपाउंड कहलाता है जिसके रिंग के अंदर यानी साइकिल के अंदर केवल और केवल कार्बन एटम प्रेजेंट रहेगा, उसे हम कहेंगे होमोसाइक्लिक कंपाउंड। जैसे कि ये होमोसाइक्लिक है, ये भी आपका होमोसाइक्लिक है, तो रिंग के अंदर केवल कौन है, कार्बन है। आइए होमो का मतलब सेम, साइक्लिक कंपाउंड, सच साइक्लिक कंपाउंड हैविंग ओनली, मार किया जाए ओनली कार्बन एटम इनसाइड द रिंग, इनसाइड द रिंग का मतलब रिंग के अंदर, इट्स कॉल्ड होमोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है, इसको लिखिए फिर हम लोग इससे आगे डिस्कस करते हैं। आइए अभी हम लोगों ने होमोसाइक्लिक कंपाउंड की बात किया था, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग के अंदर केवल कार्बन एटम रहेगा उसे होमोसाइक्लिक कहेंगे। होमोसाइक्लिक कंपाउंड दो प्रकार का होगा, एलीसाइक्लिक और एरोमेटिक। पहले एलीसाइक्लिक को हम लोग डिस्कस कर लें। एलीसाइक्लिक कंपाउंड वह साइक्लिक कंपाउंड कहलाएगा जिसका प्रॉपर्टी ओपेन चेन के सिमिलर हो, यानी कि अगर देखो ओपेन चेन कंपाउंड है उसको मोड़ करके क्या बना दीजिए, अब साइक्लिक कंपाउंड बना दीजिए तो वह कहलाएगा एलीसाइक्लिक। सिंपल हम समझाते हैं, आप इधर आइए, हमने पढ़ाया था आपको बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर जब पढ़ा रहे थे हम आपको, मैंने बताया था कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के लिए मिनिमम 3 कार्बन चाहिए। आप ही बताइए दो कार्बन से कभी साइकिल बनेगा, नहीं, मिनिमम 3 कार्बन चाहिए, मैक्सिमम जितना लेना है आप ले सकते हैं, मिनिमम कितना है 3 कार्बन। तो 3 कार्बन का पहले ओपेन चेन लेते हैं, आइए इसे आप प्रोपेन कहते हैं, कार्बन 4 बॉन्ड बनाता है, 3 1 4 2 3 1 4 3 1 4, ध्यान जहां भी हम 3 बॉन्ड, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से है, एक सिंगल बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया, 2 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड है, 2 सिंगल बॉन्ड 4 बॉन्ड हो गया, 3 हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड, सिंगल बॉन्ड 4 बॉन्ड, ये बॉन्ड जो है इसके लिए भी है, इसके लिए भी है, ये बॉन्ड इसके लिए भी, इसके लिए, समझ में आ गई। अब इसी को हम मोड़ करके साइक्लिक बनाए, कैसे मुड़ेगा, सबसे पहले जब मोड़ोगे तो यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दो, यहां से एक हाइड्रोजन को हटा दो, तो इसको बना दो साइक्लिक, कैसे बनेगा, CH2 CH2 CH2। तो ओपेन चेन को हम साइक्लिक बना दिए, कैसे, जब भी इसको हम मोड़ेंगे, मोड़ के साइक्लिक बनाएंगे तो एक एक हाइड्रोजन दोनों तरफ से हटाना पड़ेगा, तो जब ओपेन चेन का स्ट्रक्चर साइक्लिक हम बना दिए तो यही हमारा कहलाता है एलीसाइक्लिक। इसका मतलब क्या है कि ओपेन चेन और साइक्लिक दोनों का प्रॉपर्टी यदि सिमिलर है तो वह कंपाउंड कहलाएगा एलीसाइक्लिक कंपाउंड, यानी वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसका प्रॉपर्टी ओपेन चेन के सिमिलर हो उसे हम कहेंगे एलीसाइक्लिक कंपाउंड। आइए ध्यान दीजिएगा, मैंने लिखा है सच साइक्लिक कंपाउंड दोज प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू ओपेन चेन, यानी कि सच साइक्लिक कंपाउंड दोज प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू ओपेन चेन, ओपेन चेन को एलिफैटिक भी कहते हैं, ओपेन चेन कंपाउंड इज कॉल्ड एलीसाइक्लिक कंपाउंड, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसका प्रॉपर्टीज ओपेन चेन कंपाउंड के सिमिलर हो उसे हम कहेंगे एलीसाइक्लिक कंपाउंड। फिर हम एरोमेटिक की बात करेंगे आगे डिटेल से, यानी कि आपने प्रोपेन लिया था, ये ओपेन चेन है, इसको आपने साइक्लिक बना दिया, सच साइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड एलीसाइक्लिक। साइक्लिक कैसे बना, इसको हम जोड़ेंगे, जोड़ेंगे कैसे, एक एक हाइड्रोजन को दोनों तरफ से हटा दिए, फिर हमको इसको क्या किए, रिंग बना दिए, दैट इज कॉल्ड एलीसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर है, या अभी भी कर सकते हैं वैसा कंपाउंड जो एरोमेटिक नहीं होगा वो से हम एलीसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। क्लियर है, तो एरोमेटिक कंपाउंड क्या है, एरोमेटिक कंपाउंड डिटेल से हम डिस्कस करेंगे, केवल टेलर देख लीजिए, वैसा कंपाउंड जो साइक्लिक स्ट्रक्चर हो, अल्टरनेट डबल बॉन्ड हो, या एक डबल बॉन्ड एक लॉन पेयर अल्टरनेट में हो, या एक डबल बॉन्ड एक नेगेटिव चार्ज अल्टरनेट में हो, समझ गए, या एक डबल बॉन्ड एक पॉजिटिव चार्ज अल्टरनेट में हो, हम आगे सब आपको डिस्कस करेंगे, और स्ट्रक्चर प्लानर हो यानी कि प्रत्येक कार्बन का sp2 हाइब्रिडाइजेशन हो, और वह कंपाउंड हकल्स रूल को ओबे करता हो। हकल्स रूल किसे कहते हैं, 4n+
टू पाई इलेक्ट्रॉन रूल में डिटेल से आपको बताऊंगा, भी टेंशन आप नहीं लीजिए, तत्काल जो मैंने लिखा केवल उसको समझिए, एरोमेटिक हम अच्छा से पढ़ाएंगे तो सारा कंसेप्ट आपका क्लियर हो जाएगा, टेंशन नहीं लेना। आइए आप ये भी कह सकते हैं सच साइक्लिक कंपाउंड विच डू नॉट ओबे हकल्स रूल, विच डू नॉट ओबे हकल्स रूल इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, जो हकल्स रूल को ओबे करता है एरोमेटिक कहलाता है। और एरोमेटिक में और सारे कंडीशन है, ऐसा कोई जरूरी नहीं हकल्स रूल के ओबे करे एरोमेटिक में, बहुत सारे कंडीशन है आपको बताएंगे, लेकिन जनरली वैसा कंपाउंड जो हकल्स रूल को ओबे करेगा वो एरोमेटिक कहलाएगा, जो हकल्स रूल को ओबे नहीं करेगा एरोमेटिक नहीं कहलाएगा, तो उसे हम क्या बोलेंगे एलिसाइक्लिक कहेंगे। एलिसाइक्लिक दो ही प्रकार का होगा, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। तो सच साइक्लिक कंपाउंड व्हिच डू नॉट ओबे हकल्स रूल इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड, क्लियर। अब हमारे बच्चे हमसे कहेंगे कि सर अभी आपने कहा कि वैसा कंपाउंड जो ओपन चेन से साइक्लिक में कन्वर्ट हो गया उसे एलिसाइक्लिक कहेंगे, जैसा कि अभी आपने बनाया प्रोपेन लिया था, एक एक हाइड्रोजन को हटाया रिंग बना दिया, एलिसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। फिर आपने कहा सर लैंग्वेज के पॉइंट ऑफ व्यू से कि वैसा साइक्लिक कंपाउंड एलिसाइक्लिक कहलाएगा जिसका कि प्रॉपर्टी ओपन चेन के सिमिलर होगा, तो कैसे मुझे समझाइए। आइए साइक्लो अल्केन फर्स्ट हम क्या डिस्कस कर रहे हैं, साइक्लिक स्ट्रक्चर को साइक्लो कहेंगे, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है तो एन मींस अल्केन कहलाएगा साइक्लो अल्केन। जनरल फार्मूला होता है साइक्लो अल्केन का CnH2n, क्यों कहां से फार्मूला आया इधर आइए, क्यों माने हम इधर आ जाइए, आप ही बताइए कि साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, तीन कार्बन चाहिए, लिख दीजिए तीन कार्बन। कार्बन कितना बॉन्ड बनाता है, चार बॉन्ड बनाता है, यहाँ कितना बॉन्ड है कार्बन का, दो, तो दो हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड बनाता है, ध्यान दीजिएगा यहाँ कार्बन का कितना बॉन्ड है, दो, दो हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, यहाँ कार्बन कितना बॉन्ड है, दो, दो हाइड्रोजन यहाँ रहेगा, तो चार चार बॉन्ड, चार चार बॉन्ड कैसे, एक बार और देख लो, यहाँ दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, यहाँ दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, यहाँ दो हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से, क्लियर राइट। इसी को हम क्या कहते हैं CH2 कह देते हैं छोटे, इसको क्या कहते हैं CH2 कह देते हैं, इसे भी क्या कहते हैं CH2 कह देते हैं, क्यों, क्योंकि ऑटोमेटिक समझना है हाइड्रोजन सिंगल बॉन्ड से जुड़ा हुआ है। चलिए अब मुझे बताओ, अब बताओ कार्बन कितना है बाबू, इसमें 3 है, साइक्लिक बनाने कम से कम तीन कार्बन चाहिए, 3 है, हाइड्रोजन मिलो, 2 2 4 2 6, अब बताओ फार्मूला किस में बैठ गया, CnH2n, जहां पे n क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम, मेरी बात समझ रहे हो क्या कहना चाह रहा हूं, अगर दी n बराबर 3 है तो C3 तो H6, तो CnH2n फार्मूला आ गया, तो जनरल फार्मूला साइक्लोअल्केन का क्या आ गया CnH2n, क्लियर दैट। अब आपको याद होना चाहिए जनरल फार्मूला अल्कीन का भी तो होता है CnH2n, हमने पढ़ाया था आपको, क्लियर दैट, अल्कीन का भी जनरल फार्मूला क्या होता है CnH2n, तो अल्कीन का भी फार्मूला CnH2n और साइक्लोअल्केन का भी फार्मूला CnH2n, तो बताओ अल्कीन और साइक्लोअल्केन दोनों का फार्मूला सेम है तो दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा सिमिलर। सो कहा जाता है सच साइक्लिक कंपाउंड दोज प्रॉपर्टीज आर सिमिलर टू ओपन चेन। अब बताओ अल्कीन यहाँ पे ओपन चेन है और साइक्लोअल्केन यहाँ पे क्या है आपका क्लोज चेन है, इसलिए इस कंपाउंड को हम लोग क्या कहेंगे एलिसाइक्लिक, क्योंकि दोनों का फार्मूला क्या है सेम है, समझ गए, क्लियर दैट। आइए वेयर एन बराबर नंबर ऑफ कार्बन एटम और n कभी भी 2 नहीं होगा, जब भी होगा 3 4 5 6 7, क्योंकि साइक्लिक होने के लिए मिनिमम कार्बन कितना चाहिए 3 चाहिए, क्लियर दैट, जैसा कि अभी आपने बनाया, समझ गए मेरी बात। आइए अब देखिएगा हम अल्कीन कह रहे हैं, साइक्लो अल्कीन नहीं समझिएगा, सिंपल अल्कीन जो अभी आप पढ़े थे सैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में और अनसैचुरेटेड हाइड्रोकार्बन में, सैचुरेटेड में था आपका अल्केन, अनसैचुरेटेड अल्कीन अल्काइन, बस अभी पढ़े थे अल्केन का जनरल फार्मूला CnH2n+2, अल्कीन का CnH2n, अल्काइन का CnH2n-2, बस उसी अल्कीन की बात हो रही है, इन्हें के साइक्लो अल्कीन समझ लेना है, साइक्लो अल्केन अल्कीन दोनों का फार्मूला सेम, तो अल्कीन और साइक्लो अल्केन का प्रॉपर्टी क्या है सिमिलर, इसलिए कहा जाता है इस ऐसे साइक्लिक कंपाउंड को हम क्या कहेंगे एलिसाइक्लिक। अब देखो एग्जांपल ले लो n बराबर 3, फार्मूला क्या था CnH2n, n बराबर 3, n बराबर 3 है, फार्मूला क्या है CnH2n, तो 3 रख दो, 3 और 3 दूनी 6, C3H6, तो C3H6 देखो 4 यहां कितना बॉन्ड रहेगा, 4 2 3 4 2 और 3 4 2 और 3 4, इसे कहते हैं ट्रिपल बॉन्ड नहीं इक्विवेलेंट, इक्विवेलेंट का मतलब मैंने पिछले क्लास में आपको समझाया था, कोई बच्चा 10th
पास किया बिहार बोर्ड से, कोई बच्चा टेंथ पास किया सीबीएसई बोर्ड से, तो दोनों का डिग्री इक्वल नहीं है, दोनों का डिग्री क्या है, इक्विवेलेंट है। क्यों? क्योंकि दोनों का बोर्ड अलग अलग है। समझ गए? इधर आइए, ये साइक्लोप्रोपेन है, क्योंकि साइक्लिक है साइक्लो, सिंगल बॉन्ड है तो अल्केन, साइक्लोप्रोपेन दैट इज इक्विवेलेंट, दैट इज कॉल्ड कंप्लीट स्ट्रक्चर, दैट इज कॉल्ड बॉन्ड आयन स्ट्रक्चर। समझ गए? इधर आइए, एन बराबर फोर ले लिए, तो फॉर्मूला है आपका सी एन एच टू एन सी फोर एच एट, तो सी फोर एच एट कार्बन का बॉन्ड गिन लो, दो दो चार, दो दो चार, दो दो चार, दो दो चार, साइक्लिक है साइक्लो, चार कार्बन है तो ब्यूट, अल्केन है तो एन, साइक्लो ब्यूटेन क्योंकि सिंगल बॉन्ड है, इकोवैलेंट दैट इज कॉल्ड बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर, इसे हम क्या कहेंगे, छोटे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। समझ गए? अगर एन बराबर फाइव ले लो तो सी फाइव एच टेन हो जाएगा, साइक्लोपेंटेन साइक्लिक है साइक्लो, पांच कार्बन का पेंट, सिंगल बॉन्ड अल्केन, साइक्लोपेंटेन वैलेंसी सैटिस्फाई, चार बॉन्ड बनाया, इक्विवेलेंट बॉन्ड एंड स्ट्रक्चर। अगर एन बराबर सिक्स ले लिया जाए तो सी सिक्स एच टू एल, तो सी एच टू सी एच टू सी एच टू, क्योंकि कार्बन चार बॉन्ड बनाता है, तो मान लो इसको पकड़ो, दो है तीन एक चार, इसी तरह सबको पकड़ना है आपको, इक्विवेलेंट मींस ये है कंप्लीट स्ट्रक्चर और ये आपका बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर। समझ गए? तो इसे कहेंगे हम लोग साइक्लोहेक्सेन, और आप बहुत सारे एग्जांपल ले सकते हो, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्या होता है। सिंपल ओपन चेन कंपाउंड को साइक्लिक बना देंगे, कैसे, जोड़ करके, वैसे साइक्लिक कंपाउंड को हम कहेंगे एलिसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि ओपन चेन, और वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसका प्रॉपर्टीज ओपन चेन के सिमिलर हो वह कंपाउंड कहलाएगा एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर? लिख लिया जाए। आइए अब हम लोग साइक्लो अल्कीन को देखेंगे, इसके पहले हम लोग डिस्कस किया था साइक्लो अल्केन, और साइक्लो अल्केन का जनरल फॉर्मूला था CnH2n, और अल्कीन का भी जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n, दोनों का जनरल फॉर्मूला सेम था, इसलिए हम कहते हैं दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर। तो साइक्लो अल्केन का जो फॉर्मूला है अल्कीन के बराबर है, अल्कीन क्या है, ओपन चेन है, और साइक्लो अल्केन क्या है, साइक्लिक है, तो दोनों का अगर दी फॉर्मूला सेम है तो प्रॉपर्टी भी सिमिलर होगा, तो सच साइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। अब हम आते हैं साइक्लो अल्कीन पे, तो साइक्लो अल्कीन का जो जनरल फॉर्मूला होता है CnH2n-2, और यह फॉर्मूला अल्काइन के भी बराबर होता है, अल्काइन का भी अभी आपने पढ़ा, अल्काइन का फॉर्मूला क्या था CnH2n-2, जहां पे n इक्वल टू नंबर ऑफ कार्बन एटम, तो अल्काइन क्या है, ओपन चेन है, साइक्लो अल्कीन क्या है, क्लोज चेन है, दोनों का फॉर्मूला क्या है, सेम है, दोनों का प्रॉपर्टी क्या होगा, सिमिलर, सो सच साइक्लिक कंपाउंड इज कॉल्ड एलिसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर दैट? अब आइए, बच्चे कहेंगे सर ये फॉर्मूला कहां से आया, इधर आओ, साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के लिए कम से कम तीन कार्बन चाहिए, ले लो, अल्कीन है तो एक डबल बॉन्ड, क्लियर। अब देखो ये साइक्लो अल्कीन की बात हो रही है, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है वैलेंसी को सैटिस्फाई करने के लिए, और कार्बन के साथ जो हाइड्रोजन अटैच होगा वो सिंगल बॉन्ड के साथ होगा, क्लियर दैट, हाइड्रोजन हर्ष में कौन सा बॉन्ड बनाएगा, सिंगल बॉन्ड बनाएगा, तो चार, अब देखो यहां पे ध्यान दो, कार्बन का वैलेंस कितना होता है, चार दो छह एक सात, एक हाइड्रोजन वैलेंसी को सैटिस्फाई करने के लिए, अब बॉन्ड को पकड़ो, कितना बॉन्ड है, दो और एक तीन, एक हाइड्रोजन यहां अटैच होगा, चार बॉन्ड बनाएगा, एक और एक दो, दो हाइड्रोजन यहां अटैच होगा, दो और एक तीन, एक हाइड्रोजन यहां अटैच होगा, कार्बन काउंट करो, सी थ्री हाइड्रोजन जोड़ो, दो और एक तीन और एक चार, सी थ्री एच फोर, पुट करो इस पे, जहां पे थ्री क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम, पुट करो, एन भी क्या है नंबर ऑफ कार्बन एटम, सी थ्री छह दो या छह, छह में दो क्या चार, सी थ्री एच फोर, क्लियर दैट, फॉर्मूला सेट कर गया। अब देखिए ये फॉर्मूला कैसे हुआ, इसको मैंने इतना समझाया आपको, अब आपको ये समझना है कि ऐसे कंपाउंड को हम लोग एलिसाइक्लिक कंपाउंड क्यों कहते हैं, वजह तो आप समझ गए, क्योंकि दोनों का जो है फॉर्मूला क्या है, सेम है। आइए इधर, तो जनरल फॉर्मूला CnH2n-2, और वही फॉर्मूला किसका है, जनरल फॉर्मूला ऑफ अल्काइन का, जहां पे है नंबर ऑफ कार्बन एटम, साइक्लिक स्ट्रक्चर होने के लिए मिनिमम कितना कार्बन चाहिए, थ्री कार्बन चाहिए, तो एन बराबर नंबर ऑफ कार्बन वन टू कभी नहीं होगा, कहां से स्टार्ट होगा, तीन चार पांच छह, मिनिमम थ्री होगा, एग्जाम्पल एन बराबर थ्री, फॉर्मूला पुट करो, सी थ्री
6 में 2 गया 4 C3H4 साइक्लिक तीन कार्बन हो 1 2 3 अल्कीन है साइक्लो अल्कीन है कम से कम एक डबल बॉन्ड चाहिए डबल बॉन्ड लगा दो तो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है 2 और 1 3 1 हाइड्रोजन यहां होगा 2 और 1 3 1 हाइड्रोजन यहां होगा 1 और 1 2 2 हाइड्रोजन यहां होगा समझ गए कितना हाइड्रोजन होगा 2 हाइड्रोजन यहां होगा तो कार्बन किलो 3 है हाइड्रोजन किलो 2 3 1 4 इसे साइक्लिक है तो साइक्लो तीन कार्बन है तो प्रोप डबल बॉन्ड है तो इन इन साइक्लोप्रोपीन दैट इज कॉल्ड इक्विवेलेंट नॉट ट्रिपल बॉन्ड इक्विवेलेंट ये आपका है कौन सा स्ट्रक्चर से आपका होते बोलो पढ़ाए थे कल जी कंप्लीट स्ट्रक्चरल फार्मूला कंडेंस और बॉन्ड लाइन बोलो ये कंप्लीट स्ट्रक्चर है और ये आपका क्या है बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर ऐसे लिख सकते तीन कार्बन का साइकिल हो गया एक डबल बॉन्ड है दिखा दे क्लियर दैट अगर यदि हम n बराबर 5 ले ले n बराबर 5 तो C5 10 में 2 गया 8 C5H8 पांच कार्बन को मैंने लिया अल्कीन है साइक्लो अल्कीन एक डबल बॉन्ड है डबल बॉन्ड ले लो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है 2 और 1 3 1 हाइड्रोजन यहां होगा 2 और 1 3 1 हाइड्रोजन यहां होगा 1 और 1 2 2 हाइड्रोजन यहां होगा 1 और 1 2 2 हाइड्रोजन यहां होगा 1 और 1 2 2 हाइड्रोजन यहां होगा क्या हाइड्रोजन किलो 2 2 4 2 6 7 1 8 कार्बन 5 तो C5H8 इक्विवेलेंट ट्रिपल एक आपका साइक्लिक का स्ट्रक्चर बन गया और एक डबल बॉन्ड लगा दो साइक्लिक है तो साइक्लो पांच कार्बन है पेंटेन अगर ये n बराबर 4 ले लें तो C4H 8 में 2 गया 6 तो चार कार्बन ले लिया मैंने चार कार्बन आ गया आपका अब साइक्लो अल्कीन एक डबल बॉन्ड डाल दो कार्बन चार बॉन्ड बनाता 2 और 1 3 1 हाइड्रोजन यहां होगा 1 और 1 2 2 हाइड्रोजन यहां होगा 2 और 1 3 1 हाइड्रोजन यहां होगा 1 और 1 2 2 हाइड्रोजन यहां होगा इक्विवेलेंट ये बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर खींच दो एक चार कार्बन का रिंग बना दिए एक डबल बॉन्ड लगा दिए तो C4H है 2 2 4 5 6 इसको साइक्लिक है तो साइक्लो चार कार्बन है ब्यूट इन है तो डबल बॉन्ड की वजह से इन तो साइक्लो ब्यूटीन यहां पर था आपका साइक्लो पेंटेन अब बताओ n बराबर 6 ले लिया जाए C6 12 में 2 गया 10 C6H10 6 कार्बन 1 2 3 4 5 6 एक डबल बॉन्ड चाहिए मिनिमम क्योंकि अल्कीन है तो डबल बॉन्ड लगा दो आवश्यकता अनुसार हाइड्रोजन यहाँ पे जुड़ा हुआ आप समझ गए इसी का साइक्लिक स्ट्रक्चर अगर दी हम बॉन्ड लाइन में क्रिएट करेंगे 6 कार्बन का रिंग हो जाएगा डबल बॉन्ड साइक्लो हेक्सीन क्योंकि 6 कार्बन का रिंग है अब देखिए अब आपको हम मुझे ये बताना है कि साइक्लो अल्काइन के बारे में कभी भी आप रिंग में ट्रिपल बॉन्ड नहीं देखते होंगे जब भी रिंग में आपको मिलता होगा सिंगल बॉन्ड और डबल बॉन्ड मिलता होगा अब बच्चे हमसे कहेंगे सर ट्रिपल बॉन्ड क्यों नहीं मिलता है क्योंकि ट्रिपल बॉन्ड वाला रिंग का जो कंपाउंड होता है लीस्ट स्टेबल होता है अभी बताइए कोई भी एटम बॉन्ड का फॉर्मेशन क्यों करता है स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए अगर कोई एटम बॉन्ड बना रहा है तो क्यों स्टेबिलिटी को अटेन करने के लिए अब बॉन्ड बनाने के बाद भी अगर लीस्ट स्टेबल हो जाए बनाने से क्या फायदा इसलिए जब भी रिंग कंपाउंड की बात होगी तो सिंगल बॉन्डेड और डबल बॉन्डेड रिंग कंपाउंड की बात होगी कभी भी आपको ट्रिपल बॉन्ड नहीं मिलेगा क्लियर दैट और ट्रिपल बॉन्ड का कोई बच्चे बोलेंगे सर कि साइक्लो अल्काइन है तो इसका कोई जनरल फॉर्मूला कुछ नहीं होता इसे देखो कोई जनरल फॉर्मूला इसका फिक्स नहीं है क्यों इधर आओ मैं बताता हूं तीन कार्बन चाहिए रिंग के लिए अल्काइन है ट्रिपल बॉन्ड डाल दो कार्बन चार बॉन्ड बनाता है चार कार्बन का दो चार बॉन्ड तीन और एक चार कंप्लीट तीन और एक चार कंप्लीट एक और एक दो दो हाइड्रोजन यहां होगा कार्बन काउंट करो C3 हाइड्रोजन जोड़ो दो C3H2 अगर दी हम अल्केन के फॉर्मूला पे सेट करें अल्केन का फॉर्मूला क्या होता है CnH2n+2 तो C3 है C3 6 3 2 6 2 C3H8 जो कि नहीं मिल रहा है अगर दी अल्कीन की बात करें यहाँ C3 है कार्बन 3 है 3 C3H6 नहीं मिल रहा है H2 है अल्काइन की बात करें कार्बन 3 है C3 6 में 2 C3 6 में 2 या 4 है C3H4 है जो कि नहीं मिला C3H4 यानी साइक्लो अल्काइन का फार्मूला किसी पे सेट नहीं करेगा इसलिए कोई इसका एग्जैक्ट यानी फिक्स फार्मूला नहीं होता है इसलिए मैं कहता हूं जब भी आपको मिलेगा तो या तो साइक्लो अल्केन की बात होगी या तो साइक्लो अल्कीन की बात होगी क्योंकि साइक्लो अल्काइन लीस्ट स्टेबल होता है अगर दी कोई एटम बॉन्ड बनाने के बाद भी लीस्ट स्टेबल है तो उसको बॉन्ड बनाने से कोई फायदा नहीं है इसीलिए रिंग में जब भी बात होगी तो साइक्लो अल्केन साइक्लो अल्कीन का लेकिन केवल देख लो साइक्लो अल्काइन के बारे में इट इज लीस्ट स्टेबल
आप मोटा मोटे तौर पे देख सकते हो साइक्लोपेंटाइन, साइक्लोहेक्साइन, साइक्लोहेप्टाइन, साइक्लोऑक्टाइन, साइक्लोनोनाइन, लेकिन आप केवल साइक्लो अल्केन और साइक्लो अल्कीन की बात करना। क्लियर दैट? आइए तो होमोसाइक्लिक हम लोग पढ़ लिए। होमोसाइक्लिक में केवल एलीसाइक्लिक पढ़े, एरोमेटिक अभी नहीं पढ़े। एलीसाइक्लिक तो समझ में आ गया, वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसका प्रॉपर्टी ओपेन चेन कंपाउंड के सिमिलर हो उसे एलीसाइक्लिक कहेंगे। साइक्लोअल्केन में मैंने समझाया, साइक्लोअल्कीन में समझाया, साइक्लोअल्काइन को लिस्ट स्टेबल है इसकी बातें छोड़ दो, केवल इसे समझाने के लिए मैंने इसको केवल लिख दिया। लेकिन अभी हम लोग होमोसाइक्लिक में एरोमेटिक नहीं पढ़े, एरोमेटिक हम लोग अलग से पढ़ेंगे, बहुत स्मार्ट तरीका से पढ़ेंगे। क्लियर दैट? आइए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। हेट्रो मींस क्या होता है? डिफरेंट। वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग के अंदर कार्बन के अलावे अदर एटम भी हो, जैसे कि ऑक्सीजन हो, नाइट्रोजन हो, वैसे साइक्लिक कंपाउंड को हम लोग हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कहेंगे। यानी कि हेट्रो मींस डिफरेंट, होमो मींस सेम, हेट्रो मींस डिफरेंट। सच साइक्लिक कंपाउंड हैविंग अदर देन कार्बन एटम इनसाइड द रिंग, रिंग के अंदर, बाहर नहीं, रिंग के अंदर, इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड। क्लियर दैट? आप इसको लिखिए, फिर हम लोग एग्जांपल करेंगे, फिर इसमें हम लोग क्या करेंगे, क्वेश्चंस करेंगे। लिखा है अभी हम लोगों ने हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड की बात किया, उसी का एग्जांपल है। आप देखिए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड वह साइक्लिक कंपाउंड कहलाता है जिसके रिंग के अंदर कार्बन के अलावे अदर एटम्स भी हो। कार्बन के अलावे ऑक्सीजन हेट्रोसाइक्लिक, नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक, नाइट्रोजन हेट्रोसाइक्लिक, ऑक्सीजन हेट्रोसाइक्लिक, ऑक्सीजन हेट्रोसाइक्लिक, सल्फर हेट्रोसाइक्लिक। यानी हेट्रोसाइक्लिक देख के तो हम पहचान गए, लेकिन अब कंपाउंड को तो समझ लो एक बार। कार्बन चार बॉन्ड बनाता है तो दो और एक तीन, हाइड्रोजन चार, यहाँ भी चार, यहाँ भी चार, यहाँ भी चार। ऑक्सीजन दो बॉन्ड बनाएगा, ऑक्सीजन का वॉल्यूम छह होता है, सात एक आठ, तो इसका छह में दो इलेक्ट्रॉन बॉन्ड में यूज हुआ, चार बच गया, दो लोन पेयर फ्यूरॉन कहलाएगा। यहाँ पे कार्बन, यहाँ पे देखिए चार बॉन्ड हमारे बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर है, तो दो और एक तीन, यहाँ पे हाइड्रोजन है, दिखाने की आवश्यकता नहीं है। नाइट्रोजन का वाला स्टोन पांच होता है, तीन बॉन्ड बनाया तो दो इलेक्ट्रॉन बच गया, एक लोन पेयर पायरोल कहते हैं इसे। यहाँ पे भी आप समझ रहे हैं मैं कहना क्या चाह रहा हूँ, चार बॉन्ड दो एक तीन एक हाइड्रोजन, सब जगह ही बात है। तो नाइट्रोजन जो है वाला स्टोन पांच होता है तो तीन बनाएगा, तीन बॉन्ड यहाँ पे बनाया है तो एक लोन पेयर है, तो दो इलेक्ट्रॉन बच गया, एक लोन पेयर, इसे हम पायराडीन कहते हैं। ये आपका ऑक्सीजन जो है दो बॉन्ड बनाया, दो इलेक्ट्रॉन यूज हुआ तो चार बच गया, दो लोन पेयर ऑक्सीजन कहलाता है। यहाँ पे ऑक्सीजन जो है दो बॉन्ड बनाया तो चार इलेक्ट्रॉन बच गया, दो लोन पेयर टेट्राहाइड्रोफ्यूरॉन टीएचएफ सॉल्वेंट के रूप में इसको हम पढ़ेंगे आगे, रिएक्शन मैकेनिज्म हम पढ़ाएंगे आपको। और आपका ये थायोफीन है, यहाँ पर सल्फर जो है दो बॉन्ड बनाया, वैलेंस स्टोन सिक्स होता है, चार इलेक्ट्रॉन बच गया, यानी कि दो लोन पेयर थायोफीन। क्लियर दैट? दैट कंपाउंड इज कॉल्ड हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड, यानी कि कार्बन के अलावे रिंग में अदर एटम्स होंगे उसे हम हेट्रोसाइक्लिक कहेंगे। अभी नाम से आपको टेंशन नहीं लेना है, सारा नॉमिनेचर में हम आपको पढ़ाएंगे, टेंशन आप नहीं लीजिए। अब हम लोग इसमें क्या करेंगे, सवाल करेंगे, केवल आपको ये देखना है ये होमो है कि हेट्रो है, समझ गए? कार्बन केवल रिंग में है तो होमो, कार्बन के अलावे अदर एटम्स है तो कहलाएगा हेट्रोसाइक्लिक। क्लियर? लिख लो। तो आइए हम लोग कुछ क्वेश्चन देख लें। In which of the following is not heterocyclic compound? इसमें इनमें से कौन heterocyclic compound नहीं है? Not heterocyclic compound। इधर आइए। Thiophene मैंने पढ़ाया। Thiophene का hetero atom कौन है? Sulfur। Furan, Furan का hetero atom oxygen। Pyridine, Pyridine का hetero atom nitrogen। Cyclobutane में केवल क्या है? Carbon। Ring के अंदर केवल क्या है? Carbon। चार carbon। अभी बताया था ना? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर, दैट इज होमोसाइक्लिक। ये हेट्रो होगा, ये हेट्रो होगा, ये हेट्रो होगा, इसका हेट्रो एटम होगा सल्फर, इसका हेट्रो एटम ऑक्सीजन, इसका हेट्रो एटम नाइट्रोजन। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन। ए हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग हेट्रो एटम ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, मैंने आपको पीरियोडिक टेबल में पढ़ाया था इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का ट्रिक, एफ वन फोन, इसको पकड़िएगा, एक ट्रिक है इलेक्ट्रोनिगेटिविटी का, मैंने आपको पढ़ाया था ऑर्डर ऑफ इलेक्ट्रोनिगेटिविटी, ट्रिक था एफ एन फॉन। इसका मतलब यह था
सबसे अधिक फ्लोरीन देन ऑक्सीजन देन नाइट्रोजन। तो कहता है इन हेट्रोसाइक्लिक कंपाउंड कंटेनिंग हेट्रो एटम ऑफ मैक्सिमम इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, चार कंपाउंड है, पूछता है उसमें हेट्रो एटम कौन है और उसमें से मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव कौन है। तो पायराडीन में हेट्रो एटम बताइए नाइट्रोजन, पायरोल में हेट्रो एटम बताइए नाइट्रोजन, फ्यूरान में हेट्रो एटम बताइए ऑक्सीजन, थायफिन में हेट्रो एटम बताइए सल्फर। तो इसका हेट्रो एटम नाइट्रोजन है, इसका हेट्रो एटम नाइट्रोजन है, इसका हेट्रो एटम सल्फर है, इसका हेट्रो एटम ऑक्सीजन है फ्यूरान का। तो ऑक्सीजन इज द मोर इलेक्ट्रोनेगेटिव, सो ऑप्शन सी द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन अ स्ट्रक्चर ये हाउ मेनी हेट्रो एटम्स आर प्रेजेंट, इस स्ट्रक्चर में हेट्रो एटम्स कितने हैं आपको बताना है। बच्चे कहेंगे सर एक कार्बन के अलावे देखो, एक और एक दो और एक तीन, नहीं गलत, आंसर होगा वन। सो कैसे, सो देखो इधर ध्यान देना, इसका स्ट्रक्चर बना लो आप, यहां पे एक हाइड्रोजन है, यहां भी एक हाइड्रोजन है, डबल बॉन्ड है, यहां पे ऑक्सीजन है। अब मुझे बताओ ऑक्सीजन दो बॉन्ड बना लेता है क्योंकि वैलेंस बॉन्ड सिक्स होता है, ऑक्टेट कंप्लीट करने के लिए दो इलेक्ट्रॉन चाहिए, दो बॉन्ड बनाएगा, कार्बन चार बॉन्ड बनाता है। तो यहां पर जो ऑक्सीजन है ये स्वाभाविक है कि यहां कार्बन का बॉन्ड दो और एक तीन एक चार, दो एक तीन एक चार, यहां ऑक्सीजन का एक और एक दो, यहां कार्बन का एक एक दो, तो स्वाभाविक है कौन सा बॉन्ड बनाएगा डबल, यहां कौन सा बॉन्ड बनाएगा डबल। अब कार्बन का बॉन्ड गिनो एक दो दो चार, एक और एक दो दो चार, यानी यहां भी कार्बन का ऑक्टेट कंप्लीट है, यहां भी कंप्लीट है, यहां भी कंप्लीट है, यहां भी कंप्लीट है, अरे यहां ऑक्सीजन का ऑक्टेट कंप्लीट है। तो ऑक्सीजन का बॉन्ड में कितना इलेक्ट्रॉन यूज हुआ दो, कितना बच गया चार, यहाँ कितना यूज हुआ दो, कितना बच गया चार, यहाँ कितना यूज हुआ दो, कितना बच गया चार, तो दो दो लॉन पेयर। तो रिंग के अंदर ई ऑक्सीजन है नहीं, रिंग के अंदर ई ऑक्सीजन है नहीं, तो हमने क्या बोला वैसा साइक्लिक कंपाउंड जिसके रिंग के अंदर कार्बन के अलावे अदर एटम हो, रिंग के अंदर देखना है बाहर नहीं, ये रिंग के बाहर है, ये रिंग के बाहर है, रिंग के अंदर केवल यही है ना जी, इसी को हम लोग बोलेंगे हेट्रो एटम, हेट्रो एटम, इसलिए आंसर होगा ए ऑप्शन ए, एक ही एटम है वन, क्योंकि ये तो रिंग के, ये ऑक्सीजन रिंग के बाहर है, ये ऑक्सीजन भी रिंग के बाहर, रिंग के अंदर सिंगल ऑक्सीजन एक एटम है, इसलिए इसे कहा जाएगा कि हेट्रो एटम इस कंपाउंड में केवल एक ही होगा। बहुत बच्चे कहेंगे ऐसा स्ट्रक्चर हो सकता है सर, डबल बॉन्ड बना दिया जाए, डबल बॉन्ड बना दिया फिर ऑक्सीजन, ऐसे देखो तो ऑक्सीजन मैक्सिमम कितना बॉन्ड होता है दो, ध्यान कितना बॉन्ड दो, एक तीन गलत है, दो एक तीन गलत है, सो यही स्ट्रक्चर होगा आपका, क्लियर है समझ गए। तो नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे वेरी स्मार्ट टॉपिक एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्या डिस्कस करेंगे एरोमेटिक कंपाउंड्स, क्योंकि एरोमेटिक कंपाउंड्स हर साल नीट में आईटी मेंस एडवांस और बोर्ड के एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है, इसलिए आप लोग एरोमेटिक कंपाउंड पढ़िएगा। और नेक्स्ट क्लास हम डिस्कस करेंगे आपको ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, वेरी स्मार्ट टॉपिक इज द एरोमेटिक कंपाउंड। और आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम्स है आप मेरे व्हाट्सएप ग्रुप पे शेयर कीजिए, यूट्यूब पे जाकर के कमेंट बॉक्स में आप अपना प्रॉब्लम को लिखिए, हम उसको सॉर्ट आउट करेंगे। ओके थैंक यू।